हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ आइडियाज बाय सानी। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने हिजाब क्यों नहीं पहना है। सो बिकॉज आई एम गोइंग टू हैव इन हेयर कट, जिसे कहा जाता है कोरियन हेयर स्टाइल, कोरियन हेयर कट ए के ए वुल्फ कट। सो मैं बेसिकली एक DIY करने जा रही हूँ, सो वॉच टिल द एंड। सो फर्स्टली मैंने ले लिया है हेयर स्प्रे, बिकॉज आई एम गोइंग टू वेट ऑल माई फ्लिक्स वगैरह जहाँ पे मैं हेयर कट देने जा रही हूँ, बिकॉज अगर वेट अच्छी तरीके से नहीं होगा ना तो हेयर कट अच्छी तरीके से नहीं होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग का बाल अच्छी तरीके से वेट हो जहाँ पे आप लोग को हेयर कट करना है। सो मैं अपने फ्लिक्स पे ट्राई कर रही हूँ। सो नाउ आई एम टेक अ कोम, जिससे मैं अपना सेंटर निकालूंगी हेयर का। बट यार द रियल स्ट्रगल इज कि मेरा हेयर सेंटर ही नहीं निकल रहा है। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज को लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को भागल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। सो गाइज, मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो स्ट्रगल था ये मिरर की वजह से हो रहा था, क्योंकि मैं मोबाइल में देख के कर रही हूँ इस वजह से। नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड जहाँ पे मुझे हेयर कट देना है एक्चुअल में। सो मैंने ये डिवाइड कर लिया है दोनों साइड्स को, और जो मेरा पीछे का जो रिमेन हेयर है उसको मैं ट्राई कर लूँगी, ताकि वो इंटरप्ट ना करे मुझे हेयर स्टाइल करने में। आफ्टर दैट आप लोग को ये चीज़ गौर से देखनी है, ये इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो आप लोग को देखनी है। सो मैंने सेंटर लिया था, उसके बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा मैंने हेयर किया है। ये एक ट्रायंगल जैसा हेयर इसीलिए किया है बिकॉज इसी से ही आप लोग का लुक जो है, हेयर स्टाइल जो है वो क्रिएट होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग का भी ऐसा ही निकले। तो आप लोग स्पेशली ये कोम्ब लेना जिससे आप लोग का ये ऐसा लाइन जो है हेयर का वो निकलेगा। तो अब मैं दूसरे हेयर साइड्स में भी कर लेती हूँ सेम चीज़। नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्रिस क्रॉस ऑफ हेयर। तो ये दोनों फ्लिक्स को लेके मुझे कर लेना है क्रिस क्रॉस। तो मैंने कर लिया है क्रिस क्रॉस। अब मैंने ये जो फ्लिक्स है इसको अपने जॉ लाइन पे रख के इसको इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में इसको कट कर लेना है। एंड डोंट माइंड मेरी कैची, मैंने स्टिचिंग की कैची ले ली है बिकॉज बहुत अच्छी वर्क करती है एंड मुझे इससे बहुत ज़्यादा जमता है। तो नेक्स्ट सेम एग्जैक्टली मेथड जॉ लाइन पे, जो हमारी जॉ लाइन है जो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, उसी अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोगों को कट करना है। लेफ्टी हो इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था, बट या मैंने कट कर लिया फाइनली। और अब आप लोग देखना इसका चमत्कार जब मैं इसको ड्राई करूँगी अपने हेयर को, और टोटली आप लोग को लुक दिखाऊँगी। सो आप भी, आप लोग को जस्ट ऐसा जैसा मैं कर रही हूँ वैसा करना है, ताकि आप लोग को इसका लुक दिख सके। सो गाइस, ये छोटे हेयर इसमें बहुत ज़्यादा प्रीटी दिखता है, ऑसम दिखता है, बट मेरे लॉन्ग हेयर है इस वजह से इतना लुक नहीं दिख रहा है। बट ये मैंने DIY जो था एक वीडियो में देखा था 2020 में, और जब मैंने ये हेयर कट ट्राई किया था जब मेरे बाल छोटे थे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा था। एंड एज वेल एज़ इन लॉन्ग हेयर ये अच्छा लुक दे रहा है, और जैसा आप लोग को चाहिए वैसा, जैसा मुझे चाहिए वैसा ये एग्जैक्टली कोरियन हेयर स्टाइल दिख रहा है। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड ऑफ कोर्स अगर आप लोग ब्लो ड्रायर यूज़ करोगे तो और अच्छा लुक देगा। और मेरे हेयर थोड़े स्ट्रेट है, इस वजह से ये इतना फ्लॉन्टी जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं है, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दे दिया है मेरे हेयर को। और आप लोग देख ही सकते हो मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ ये हेयर कट लेके। और अगर आप लोग को ये DIY अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड या सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा बाय बाय।